नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कॉलेज डिटेल्स, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट कितना जाता है और जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, एडमिशन का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन किया है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है यहां पे, और सेम एक वेबसाइट है जिसपे लिखा हुआ है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहां पे बेसिकली दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, एक टेक्नोलॉजी हो गया है आपका बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट इज बेसिकली फॉर बीएड, बीबीए, बीकॉम स्टूडेंट्स, इनके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है ताकि ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस ना करने पड़े डिटेल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में जो उनका अलग डिपार्टमेंट है बीबीए बीसीए के लिए कितना इंटेक है और क्या कोर्सेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो एकेडमिक्स पे जाके डिपार्टमेंट एंड कोर्सेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीसीए यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट और दो शिफ्ट में ये कॉलेज चलता है। तो फर्स्ट शिफ्ट में 120 इंटेक्स हैं और सेकंड शिफ्ट में 60 इंटेक्स हैं। बीबीए आप जनरल अगर करते हो तो उसमें 180 इंटेक्स हैं और बीबीए अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जाते हो तो वहाँ पे 60 इंटेक्स है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट में भी 180 इंटेक है और सेकंड शिफ्ट में भी 60 इंटेक है बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए। बीकॉम ऑनर्स अगर आप यहाँ पे करते हो तो 60 सीट्स का इंटेक है फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में। और बीएड कोर्स यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाता है बीएड के लिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट शिफ्ट है सिर्फ, इसमें इनका सेकेंड शिफ्ट अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट में इनके पास 100 सीट्स हैं। तो ये है इनका सीट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस में आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आप ipu.ac.in वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फिर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उनका। आप जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो आपको एक रैंक मिलेगा, रैंक के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, एक्स वाई जेड किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, वो रैंक के बेसिस पे ही मिलेगा। इसमें आपके क्लास 12th मेरिट का कोई सीन नहीं है। क्लास 12th के अंदर आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीबीए या फिर बीसीए आप कर रहे हो। अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्लास 12th 50% होना ज़रूरी है। बीसीए के लिए कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, वेब एप्लीकेशंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। और बीएड आपको पता है ग्रेजुएशन में 50% का होना कंपलसरी है। तो ये है इनके सीट्स की बात और मैंने आपको बता दिया एडमिशन कैसे होता है यहाँ पे सीईटी के बेसिस पे। तो जब आपका एक रैंक आ जाएगा, आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट्स के बारे में। तो ये है इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020 महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का। अब आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स देख सकते हो, जो बीसीए बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनीज का नाम है और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस, मतलब एक ही कंपनी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और उनको कितने पैकेज पे रखा गया है। तो ZS जो एसोसिएट कंपनी है यहाँ पे 5.78 लाख मैक्सिमम यहाँ पे सैलरी पैकेज गया है, प्लस अलाउंस अलग है बीसीए स्टूडेंट के लिए। और एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, जब आप 3 ईयर्स के बाद एक फ्रेशर ही रहते हो किसी भी कंपनी में जब जाते हो, तो वहाँ पे 5.78 लाख इज वेरी गुड पैकेज फॉर यू। और इसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे बच्चों को अलग अलग कंपनी से यहाँ पे जॉब्स मिली है। बीबीए वाले स्टूडेंट्स को अगर आप देखते हो, बीबीए बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको जॉब मिली है अमेजॉन कस्टमर सर्विसेज के अंदर, और FIS वोडा, IPRIMED, प्लैनेट स्पार्क्स, कंसेंट्रिक्स, गूगल FIS, तो बहुत ही अच्छी नामी ग्रामी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करा रही हैं। तो आप देख सकते हो कि बीबीए के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी पैकेज गया है 5.78 लाख पर एनम का, जिसमें आपको अलाउंसेस अलग से मिलती है। ZS एसोसिएट्स ने ये पैकेज दिया था। अब हम इसकी बात करेंगे बात बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो बीटेक अगर आप यहाँ से करना चाहते हो महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको पहले सीईटी कंडक्ट कराया जाता था, बट अब आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जेई मेन्स का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि आपका नेशनल लेवल पे होता है और उसका जो रैंक होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाती है। उसके थ्रू आपको काउंसलिंग में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन
लेने के लिए। जेई मेन्स की तो होती है डिफरेंट। यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो है पीसीएम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 55% मार्क्स का होना कंपलसरी है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे परसेंटेज में मिल जाएगा पीसीएम के अंदर। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रांचेस क्या क्या ऑफर की जाती है। एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन एंड ट्रिपल ई ब्रांच। यहाँ पे चार ब्रांच अवेलेबल हैं। इन चारों ही ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो सेम स्कोर से। अगर आपने बीटेक का जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो आप काउंसलिंग शीट में प्रेफरेंस जब आप अपने डालते हो तो उसमें आप सी एस एम एस आई टी ट्रिपल ई ऐसे करके अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। किसी भी ब्रांच में आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में। सो ये 2020 का इनका लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट शीट है। तो इसमें आप देख सकते हो, ये सामने आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है सीएस ब्रांच में। यहाँ पे 93, 12, 2 इस तरीके से यहाँ पे ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं नाम लिखे हुए हैं। आईटी डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का नाम है और सीटीसी ये आपका सैलरी पैकेज है। और अब हम देखते हैं डिटेल में कि ईसी ब्रांच और सीएसई ब्रांच इनमें कितनी प्लेसमेंट्स गई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एवरेज सैलरी पैकेज आपको देखने को मिल रहा है कि मिनिमम सैलरी पैकेज जो है 4 लाख का है, 3 लाख का भी मिनिमम सैलरी पैकेज है। वो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। देखो ये सारी जो सैलरी पैकेजेस है ना, ये बच्चों की कैपेबिलिटी, आपके जो स्किल्स होंगे, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, उस पर डिपेंड बहुत करते हैं। तो इसके बाद अमेज़ॉन ने यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज दिया है 19 लाख पर एनम का। ये काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज है 19 लाख पर एनम का। इसके बाद आप देख सकते हो कि ये कंपनी गूगल है, गूगल ने आपको दिया है 15 लाख पर एनम का सीएस ब्रांच में यहाँ पे मिला हुआ है। एक ही बच्चे को ये पैकेज मिला था गूगल की तरफ से, 15 लाख प्लस अदर बेनिफिट अलाउंस होता है। और इसके बाद आप देख सकते हो सिग्मा कंपनी है, 21 लाख पर ओवर 3 ईयर्स के लिए आपको 21 लाख का पैकेज मिला है। ये 3 साल का पैकेज है, तो मतलब पर एनम नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हो ION ट्रेडिंग जो कंपनी, यहाँ पे 12 लाख पर एनम का आपको सैलरी पैकेज मिला है। तो एवरेज सैलरी पैकेज अगर ऑन एन एवरेज आप निकालते हो उसका, तो 7.5 के अराउंड आपको एवरेज सैलरी पैकेज देखने को मिल रहा है। और बाकी जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे खासे प्लेस हुए हैं यहाँ पे। अब इन्फोसिस कंपनी आप देख सकते हो CS ब्रांच के ही 93 स्टूडेंट्स को 4 लाख पर एनम का आपको सैलरी पैकेज देखे गए हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं हमारा जो सोलोजमल ऑफ टेक्नोलॉजी के जनकपुरी में एक कॉलेज है, और कॉलेज की रेपो बनती है प्लेसमेंट रिकॉर्ड से। तो प्लेसमेंट अच्छा है, कंपनी का गैदरिंग यहाँ पे अच्छा है, तो इस वजह से ये कॉलेज इसको टॉप बनाता है। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है, आप किसी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो या फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी है और आप चाहते इसी तरीके की वीडियोज़ आगे बनती रहे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के लिए। थैंक यू सो मच।